गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज ग्वालियर के प्राचीन मंदिर की ओर चलते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये रहे प्राचीन बब्बा जू यहाँ के ग्वालियर में, दर्शन जरूर करिए आप। मंगल का दिन है आज, बड़ा पवित्र है, दर्शन जरूर कर रही। देखिए माता जननी माता, देख सकते हैं मंदिर, दर्शन जरूर करिए आप ग्वालियर के प्राचीन मंदिर। देख सकते हैं प्राचीन पेड़, जननी माता के दर्शन जरूर करिए। देखिए संकट मोचन भगवान, हाँ महाराज से मिलते हैं। महाराज आपका क्या नाम है? हमारा नाम है पंडित अशोक शास्त्री। अच्छा, थोड़ी सी मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शक। किला गेट पर जो मंदिर है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, उसका जो 250 वर्ष का इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ पे हनुमान जी की 2 मूर्ति पाई गई है, जो एक किले के अंदर प्राचीन राजाओं के समय पर ला करके यहाँ स्थापित की गई है। दूसरी मूर्ति माधवराव सिंधिया के ग्रेट बाबा जो थे, उन्होंने वो भी माधवराव सिंधिया थे, उन्होंने ये मूर्ति पढ़ाई। ये मूर्ति बड़ी सिद्ध स्थान है, यहाँ जो कोई अपनी मनोकामना चाहता है और देश की गीता शुद्ध दिया जला करके हनुमान जी के सामने रख के प्रार्थना करे तो हनुमान जी उत्तर देते हैं। ऐसे हनुमान जी दुर्लभ यही है, और हनुमान जी का प्रताप बहुत बड़ा है। हर हनुमान जी का प्रताप बड़ा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजाला, किसी का एक युग में रहा होगा, हनुमान जी चारों युग। आज का मनुष्य अन्य दुनिया में भटकता फिरता है, काश वो हनुमान जी की मन से पूजा करे, है ना, तो हनुमान जी उसका सब कुछ काम कर देते हैं। संकट हरे हरे सब पीड़ा, संकट भी हरण करता है तो पीड़ा का भी हरण करता है। तो हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु, परम बड़े पवित्र हैं, जिनको पवित्र मन से जो प्रसाद फल फूल देता है हनुमान जी खुश होते हैं। जो पवित्र मन से आकर के बैठ करके हनुमान जी की प्रार्थना करता है हनुमान जी सुनते हैं। जो पवित्र मन से भगवान के दरबार में जाता है हनुमान जी के दरबार में जाता है। राम नाम सुनिबे को रसिया, कोई जाकर के हनुमान जी के मंदिर में बैठ के राम नाम का गुणगान करता है, रामायण पढ़ता है ना, सुंदरकांड पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। कोई संगीत में भजन गाता है ना, हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। हनुमान जी संगीत के भी ज्ञाता है। कई प्रत्यक्ष घटनाएं देखी गई हैं, सुनो सत्य हुई। हनुमान जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। हमारा कोई भक्त आना चाहे तो कहाँ आए? वो हमारा जो कोई भक्त आना चाहे तो किला गेट हनुमान मंदिर पर आ जाए। मेन प्राचीन किला का गेट है, जो थाने के जस्ट बगल से थाना भी स्थापित है। ये तो बाद में बना है, लेकिन पर वो हनुमान जी के मंदिर के बगल में, तो कोई भी लोहा मंडी ग्वालियर के नाम से आ जाए, किला गेट हनुमान जी मंदिर के नाम से आ जाए। जी प्राचीन हनुमान जी ये शायद 3 भागों में बटा, मुरार लश्कर ग्वालियर, ये ओल्ड ग्वालियर है। अच्छा। इसका जो अरविंद गेट बोलते हैं उस पर आ जाए, जहाँ लोग पैदल चढ़ते हैं, मोटर गाड़ियाँ नहीं जाती। एक उरवाई गेट है तो पीछे का, जिसमें किले पे जाने वाले लोग अपनी वाहनों का प्रयोग करते हैं, और इधर लोग पैदल चलते हैं। ये जो पैदल चलने वाला गेट है, इसी पर भी हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, इसका नाम है मारुति हनुमान मंदिर। जी धन्यवाद महाराज, बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। हमारे दर्शक जब भी आप ग्वालियर में विजिट करिए तो इस मंदिर में दर्शन जरूर करिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।